का सीन ये है कि हमारी बबल्स बुआ और अमू मामू की शादी, वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाह रहे हैं और अब घर दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, एक है बंगाली हिस्सा और एक है पंजाबी हिस्सा। तो मैं बंगाली हिस्से में क्योंकि मैं माँ का भक्त हूँ और हम चाहते हैं कि अमू मामू की शादी अब बुआ से नहीं हो। तो इस सीन में अब इस पॉइंट पे आ गया है कि अगर कौवा अगर आशीर्वाद देता है तो अमू मामू और बुआ की शादी हो जाएगी, क्योंकि माँ कौवे को बहुत मानती है, कौवे हमारे नाना जी हैं, बाबा हैं। तो अभी बाबा आएंगे यहाँ पे पेड़ पे, तो हम सब अभी माँ हम लोगों ने बंगाली साइड और पंजाबी साइड चाहते एक ही है कि शादी होना। तो हम अलग अलग टीम में बटे हुए हैं लेकिन हमारा गोल एक ही है। तो अलग अलग हम लोगों ने उपाय ढूंढे कि हम बाबा जो हमारे कौवे हैं उनको भगाएं कैसे। तो किसी ने इलेक्ट्रिक वायर साथ में रखी है तो करंट आए, किसी ने रखा है मिरर रखा है कि कौवे के आँख में रिफ्लेक्शन हो, मेरे हाथ में पत्थर है तो मैं पत्थर मारूंगा नहीं, मैं ऐसे पत्थर से डराऊंगा उनको। तो वो देख के हम ये सब ट्राई कर रहे हैं कि कौवा नज़दीक नहीं आए बुआ के और उन्हें आशीर्वाद दे के जाए नहीं, क्योंकि अगर कौवे ने आशीर्वाद दे दिया तो अमू अमू 100% बुआ से शादी करें। कोशिश कर रहे हैं हम कि हाँ। तो फ़ोटो का ये किस्सा है कि माँ के पास बाऊजी का एक पुराना फ़ोटो है जब बाऊजी ने एक प्ले में काम किया। तो वो फ़ोटो देख के जब उन्होंने वो फ़ोटो बाबा को हमारे नाना जी को दिखाया था पहली बार, तो वो फ़ोटो देख के नाना जी को पहला अटैक आया था। तो माँ सोच रही अगर वो फ़ोटो वो बाबा जी को बाबा को अभी वापस दिखाएगी तो बाबा वैसे ही भाग जाएंगे। क्या ट्विस्ट आएगा कहानी कहानी में बहुत सारे एक्साइटिंग नए नए ट्विस्ट आने वाले हैं, उसके लिए आपको बहु हमारी रजनीकांत देखना पड़ेगा।